אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, הם לחמו כמו אריות. אתם מוכנים להמשך? כן! תודה רבה חבר'ה, סומכים עליכם בהצלחה, ואנחנו עוד נפגש, ומי שרואה עכשיו את עזה מרחוק, יראה אותה מבפנים. जानना चाह रहा है गाजा में इजराइल घुस क्यों नहीं रहा है, मतलब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया के राष्ट्रभक्त देशभक्त इंतजार कर रहे हैं गाजा में घुसे इजरायली सेना और करे आतंकवादियों का सफाया। हम तो यही चाहते हैं गाजा में घुसे इजराइल और सारे आतंकवादी जितने भी हैं सबका सफाया होना चाहिए। मतलब सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर पहुंच गए हैं, वो अब सेना के जवानों के बीच में है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एक बार जो है गाजा जरूर आप लोग दर्शन करेंगे। इंतजार किस चीज का है, क्या मतलब आप लोग भी सोच रहे होंगे इसराइल पर हमास के हमले को 14 दिन हो गए हैं, लेकिन हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली इसराइल जिसकी सैन्य ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा कही जाती है अभी तक अपने देश के बेगुनाह नागरिकों की मौत का बदला क्यों नहीं ले पाया, 14 दिन हो गए। भाई आपको भी लग रहा होगा ना इसराइल तो इतना बड़ा देश है, मतलब हम सब ने इसराइल की ताकत के कई किस्से और कहानियां सुनी है। मतलब याद करिए कैसे 1967 में इसी इजराइल ने तीन इस्लामिक देशों को 6 दिन में युद्ध में हरा दिया था। 6 दिन में 3 देशों को हराने वाला इजराइल 14 दिन हो गए 15,000 आतंकवादियों को नहीं मार पा रहा है, ये घुस ही नहीं रहा है गाजा के अंदर। हम तो सब इंतजार कर रहे हैं आप लोग भी जितने भी लोग हैं कि आतंक का सफाया होना चाहिए, पूरी दुनिया चाहती है। आज इसराइल की सेना को 14 दिन बाद भी गाजा में वो घुस नहीं पा रहा है, उस सेना से कैसे 6 दिनों में मिडल ईस्ट का नक्शा उस सेना ने बदल कर रख दिया था। आपने से मतलब अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, सुनिए जो बता रहा हूं आपको भी समझ आएगा, मतलब इसराइल ने अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया की सेनाओं को 6 दिन में धूल चटा दी। 6, ये सैन्य ताकत है इसराइल की। 14 दिन हो गए हैं इसराइल के टैंक गाजा के बॉर्डर पर धूल खा रहे, मतलब आतंक की चौखट पर खड़े हुए। ये आतंक की चौखट जो है गाजा की उसको पार क्यों नहीं कर रहा इसराइल, मतलब क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है इसराइल, ये सवाल है ना कि 14 दिन हो गए, चैप्टर क्लोज हुए ना, ये युद्ध जो है आतंकवादी मरे, जितने आतंकवादी हैं वो मरे, जबकि इसराइल के पास पता है कितनी सैन्य ताकत है, 6,34,000, इतनी 6,34,000। अच्छा सोचिए हमास के पास कितने आतंकवादी होंगे, हमास के पास आपको लगेगा 1-2 लाख तो होंगे ना, तभी तो 6.5 लाख के सामने इतने 14 दिन टिक रहे हैं। नहीं भाई साहब, 15,000 से 20,000 आतंकवादी कुल है, 15 मतलब इसराइल की सेना के सामने चिल्लड़ है वहां के आतंकवादी, 15,000 से 20,000 आतंकवादी, 6.5 लाख की सेना इसराइल, मतलब और सोचिए हमास के पास पानी की पाइपों से जुगाड़ से बनाए गए होममेड रॉकेट्स हैं, जबकि इसराइल के पास अत्याधुनिक मिसाइलें हैं, फाइटर जेट्स हैं, माना जाता है कि करीब 100 से 150 परमाणु बम है इसराइल के पास, रक्षा बजट 1,90,000 करोड़, लगभग कितना हुआ 2 लाख करोड़, यानी इसराइल हमास की तुलना में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, वो एक संगठन है, यह पूरा देश है, पर फिर भी 14 दिनों बाद भी इसराइल जमीन पर अपने कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है, सोच रहे ना आप भी।
कि हमास को ये डिस्काउंट, वॉर डिस्काउंट, ये रहम वाला डिस्काउंट क्यों दे रहा है इसराइल? क्योंकि जो देश, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, 6 दिन में 3-3 देशों को युद्ध हरा सकता है, वो 15 दिनों से 15,000 आतंकवादियों को मार ही नहीं पा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसराइल के ऊपर सिर्फ हमास के रॉकेट ही नहीं बरस रहे, बल्कि मानवाधिकारियों की दुआएं देने वालों के वैचारिक बम भी बरस रहे। इसराइल की मिसाइल और वर्सेस मानवाधिकार, जो मानवाधिकार की मिसाइल है ना, वो ज्यादा बरस रही है। इसके अलावा इसराइल की आर्टिलरी के सामने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपे उसके विरोध में आर्टिकल, आर्टिलरी के सामने आर्टिकल, इसराइल की आर्टिलरी दुष्प्रचार के आर्टिकल। इसके अलावा विरोध कर रहे वामपंथियों के वैचारिक वॉरहेड्स हैं। जी हां, दुनिया भर में इसराइल का विरोध कर रहे वामपंथियों के वैचारिक वॉरहेड्स हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में हमास समर्थित लेखकों की बिछाई गई लैंडमाइंस हैं, बारूदी बुद्धिजीवी सामने खड़े हैं। अब इसराइल करे तो करे क्या, मतलब होता ना मानवाधिकार का रोना, रोने वाले आ जाते हैं आतंकवादियों पर आंसू बहाने के लिए। जब इसराइल पर हमला हुआ था तब ये सारे पता नहीं किस सुरंग में छिप गए थे। सामने हथियार लेकर खड़े दुश्मन को तो शायद वो 2 दिनों में निपटा दे इसराइल, 2 दिन भी नहीं लगेंगे। 15,000-20,000 है, कल मार दे सबको इसराइल। लेकिन इन वर्गों से कैसे लड़े, जिनके बारे में हमने आपको कई बार बताया है और आज भी बताते हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए इसराइल गाजा में घुस गया, अब इंतजार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कल को इसराइल गाजा में घुस गया, ठीक, और हमास के आतंकवादियों ने गाजा के लोगों को ढाल बना लिया और इसराइल की कार्रवाई में गाजा के कुछ आम नागरिक मारे गए, तो क्या होगा? ये आतंकवादी जो है ना, ये हमास के, ये गाजा में जो अपनी सुरंग है ना, आतंक की सुरंग, वो बनाते भी हैं किंडरगार्टन, स्कूल, मस्जिद, अस्पतालों के पास। ये बच्चों और महिलाओं की ढाल का इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी। कल को गाजा में इसराइल के सैनिक घुस गए, वहां आतंकवादियों को मारा, इन्होंने महिलाओं बच्चों की ढाल बना लिया। समझ रहे हैं इतने दिन क्यों लग रहे हैं, तो क्या होगा? ये मानवाधिकार की आड़ में इसराइल की सरकार को युद्ध अपराधी साबित करने की होड़ मच जाएगी। युद्ध अपराधी है अगर इसराइल गाजा में घुस गया और उसने आतंकवादियों का सफाया शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि बीबीसी और अल जजीरा जैसे मीडिया संस्थान, दुष्प्रचार संस्थान हेडलाइंस बनाएंगे कि गाजा के फ्रीडम फाइटर्स पर इसराइल का अत्याचार, फ्रीडम फाइटर्स बताएंगे। दुनिया भर में बैठे वामपंथी अपने अपने देशों की सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि इसराइल की निंदा की जाए, युद्ध अपराधी है, आतंकवादी मुल्क है इसराइल, आतंकवादियों को मार रहा है, इसराइल से संबंध तोड़ दो, बॉयकॉट कर लो, राजदूत वापस बुला लो। हमास समर्थित लेखक लिख लिख कर ये किसी तरह से साबित कर देंगे कि असली अत्याचारी तो इसराइल की सेना है। फिर क्या होगा, बुद्धिजीवियों का एक वर्ग तो राशन पानी लेकर इसराइल पर बरसने लगेगा। ऐसे लोगों को मैं बारूदी बुद्धिजीवी कहता हूं, बारूदी बुद्धिजीवी। आप कहेंगे तो इसराइल कौन सी इन सब की परवाह करता है, मतलब हर एक के दिमाग में आएगा कि आतंकवादी को मारे, इन सबसे तो कौन किसको परवाह है। बात इसराइल के परवाह करने की नहीं है, बात यह होती है कि विदेशी मीडिया, वामपंथियों, मानवाधिकारों की कथित लड़ाई लड़ने वालों और बारूदी बुद्धिजीवियों का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब इतना शक्तिशाली कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी भी देश के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ये फैक्ट है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको लगेगा ऐसा होता नहीं है ना, एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। पिछले साल तक इसराइल की अर्थव्यवस्था OECD, ये एग्जाम्पल सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल तक इसराइल की इकोनॉमी OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में शामिल 38 देशों में 4th नंबर पर थी, चौथे, तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस संगठन में दुनिया के विकसित देश शामिल हैं। लेकिन इस साल जैसे ही इसराइल की मौजूदा सरकार ने कुछ न्यायिक सुधारों का ऐलान किया, फौरन ये इकोसिस्टम सक्रिय हो गया। ये लोग इसराइल के हजारों लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतारने में सफल हो गए। ये पूरी टूलकिट कैसे काम कर दिया, बस फिर क्या था, सुधार तो लागू हुए नहीं। इसराइल में होने वाली विदेशी निवेश में 60% की कमी आई, इसराइल की मुद्रा तेजी से गिरने लगी, वहां के शेयर बाजार में भूचाल आ गया, महंगाई बढ़ने लगी, कर्ज महंगा हो गया। अब अगर इसराइल गाजा में घुस गया, अगर घुस गया तो यही पूरा ये जो इकोसिस्टम है ना, ये युद्ध के मैदान से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी इसराइल को बर्बाद करने के लिए जोर लगा देगा। वैसे ऐसा नहीं है कि इसराइल इस दबाव की वजह से पीछे हटने वाला है, लेकिन इसने इसराइल की आक्रमण की रफ्तार को धीमे कर दिया है।
जो इसराइल में हो रहा है उसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी दिन भारत को अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा तो फिर क्या होगा। 1967 में इसराइल ने 6 दिनों में 3 दुश्मन मुल्कों को हराया था। हमने 71 में क्या किया था, 71 में भारत ने सिर्फ 13 दिनों में 2 टुकड़े कर दिए थे हमने पाकिस्तान के, 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसराइल ने 6 दिन में 3 देशों को हरा दिया। वो जमाना और था, तब पूरा भारत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पीछे खड़ा हो गया था, विपक्ष के नेता भी, और तब ये इकोसिस्टम इतना शक्तिशाली नहीं हुआ करता था, दबाव तब भी बनाया जाता था, लेकिन उसके परिणामों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, किसी दिन भारत को पाकिस्तान या चीन से युद्ध लड़ना पड़ा तो यही कथित मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं ना, बिपिन रावत ने 2.5 मोर्चे की बात कही थी कि युद्ध 2.5 मोर्चे पर हम लड़ते हैं। ये अंदर के जो लोग हैं ना, वामपंथी विचारधारा के लोग, मानवाधिकार बारूदी बुद्धिजीवी, विदेशी दुष्प्रचार मीडिया और कथित ये जो मतलब भारत की टांग पकड़ उसे खींचेंगे और कोशिश करेंगे कि भारत इन्हें पार ना पा पाए।